लोकसभा चुनाव में सियासत आर पार है तो मुद्दों की भी भरमार है, लेकिन इन सब के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी को घेरा जा रहा है। ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो फिर आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा जा चुका है कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी का खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर सियासी बवाल जमकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनका वो बयान वायरल हो रहा है जो उनकी ओर से दिया नहीं गया और एडिट करके वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। अब इसकी जांच की आंच एक तरफ तेलंगाना से लेकर राजधानी दिल्ली और असम तक जा पहुंची है। असम में एक व्यक्ति की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो गई है। पूरा का पूरा मामला है क्या जिसको लेकर सियासत सुलगी हुई है? अब अगली रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी। एल्लारिगू नमस्कार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के रण से पहले आरक्षण के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। अब आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर यह संग्राम और बढ़ गया है। बात दिल्ली से तेलंगाना और असम तक पहुंच गई है। एडिटेड वीडियो को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल मंत्रालय की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। केस दर्ज कर फर्जी वीडियो बनाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम हैदराबाद पहुंची, एडिटेड वीडियो के मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ का नोटिस थमा दिया। नरेंद्र मोदी जी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई धरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर कलेक्टर जवाब देने वाले है। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में कई जगहों पर केस भी दर्ज हुआ है। इसी कड़ी में असम पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लोकसभा की जंग में आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही सियासत हिलोरे मार रही है। राहुल के बयान के बाद इस पर जुबानी जंग तेज हो गई है। कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता बीजेपी के फिर से सत्ता में आने पर आरक्षण छिन जाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर एससी एसटी ओबीसी का हक मारने का आरोप लगा रही है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। फिलहाल मतदान का 5 दौर अभी बाकी है और ये भी तय है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को भुनाने में सभी पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे। उधर अमित शाह के फर्जी वीडियो पर एक्शन के बीच पक्ष विपक्ष के हमले तेज होंगे। आज तक ब्यूरो।